हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग इस तरीके का प्लीटेड धोती पहन रहे हैं, इसको कैस्केड प्लीट्स कहते हैं। एंड ये मैंने इसलिए क्रिएट किया था टू शो दैट व्हाट आई वुड वेयर इफ आई हैड बीन इनवाइटेड टू कैन। इससे मिलता जुलता एक और ट्यूटोरियल मैंने पहले भी डाला था, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल अलग है एंड बैक भी आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देगा। तो ये मैंने एक साड़ी ले ली है, दिस इज़ अ सिल्क साड़ी ऑफ माई मॉम्स। एंड साड़ी का जो राइट साइड है उसको हम ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा लंबा रखेंगे जैसे मैंने दिखाया आपको, द राइट विच इज़ द पल्लू वाला साइड उतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे राइट साइड में, विच इज़ अ लिटिल मोर देन 1 meter। तो एज यू कैन सी राइट साइड में मैंने 1 meter एक्स्ट्रा रखा और फिर बाकी साड़ी को मैंने इस तरह से मिला लिया। एंड या सो आई एम शोइंग इट अगेन, दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड अ लिटिल लॉन्गर देन 1 meter। एंड इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा लेंथ राइट साइड में छोड़ के साड़ी का मिडल ढूंढ लिया है। एंड मिडल ढूंढने के बाद इसको अपने वेस्ट के अराउंड लगाकर मैं 2 knots बांधने वाला हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट नॉट, मेक श्योर द नॉट्स आर टाइट, अगर टाइट नहीं होगा तो इट कैन ओपन, जो काफ़ी लोगों का डर रहता है कि कहीं खुल तो नहीं जाएगा, ऐसे खुलता नहीं है अगर आप प्रॉपरली टाइटली नॉट बांधेंगे। तो ये मैंने 2 knots बांध लिए हैं। एंड अब मैंने राइट साइड लिया और उसको इस तरह से पैरों के बीच में से पीछे लेके जाना है। एंड पीछे लेके आने के बाद आपको इस तरह से उसका छोटा सा एक हिस्सा पकड़ के पीछे टक करना है। तो अगर आपको लगता है कि ये बाहर निकल जाएगा तो आप इसको पिन भी कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे क्योंकि आदत है धोती पहनने की तो मैं नॉर्मली पिन नहीं करता हूँ, मेरा टकिंग से ही काम चल जाता है और मैं घंटों ऐसे धोती पहन के बाहर घूम भी लेता हूँ। तो ये हमने टक कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से सामने लेकर आना है। अभी हम उसको छोड़ देंगे राइट साइड को और हम लेफ्ट साइड वाले एंड से काम करेंगे। तो ये मैंने लेफ्ट साइड पकड़ा और उसको इस तरह से लेके हमें प्लीट्स बनाने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट उसके लेंथ पे हमें प्लीट बनाना है। तो ये प्लीट मैंने बना लिया। प्लीट्स को थोड़ा नीट करने के लिए आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा आयरनिंग से आपकी साड़ी थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, तो अवॉइड करें। अगर आप हाथों से ही अच्छे से प्लीट्स बना सकते हैं दैट्स ग्रेट, बट इफ़ यू आर ए बिगिनर यू माइट नीड टू आयरन इट। और आप चाहें तो इसको पिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लीट करने के बाद इसको आपको पीछे लेके जाना है, ऐसे पैर उठा के पीछे लेना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट एस्थेटिक्स के लिए मैं ऐसे करता हूँ। आप नीचे झुककर भी पीछे लेके जा सकते हैं। एंड इसको पीछे लाने के बाद आप इसको इस तरह से जो पूरा ये लेंथ है इसको टक करना है। इसको आपको इतना टक करना है कि आपके पैरों के अराउंड वो नीचे लूज़ ना लटक रहा हो, आप देख लीजिए कि इट शुड फील एडिक्वेट। तो ये मैंने टक कर लिया है एंड पीछे से ऐसे बॉर्डर विजिबल होना चाहिए साड़ी में। तो ये टक करने के बाद हमारा लेफ्ट साइड रेडी है। अब हम लोग वापस राइट साइड पर काम करेंगे। राइट साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको हमें इस तरह से लेना है और उसको हमें ऐसे डायगोनल प्लीट्स बनाने हैं, जिसको मैंने शुरू में कहा था इसको कैस्केड प्लीट्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो ये कैस्केड प्लीट्स मैंने बना लिए, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इट माइट टेक टाइम। तो इस तरह से आप देखेंगे किस तरह से इसका फॉल आ रहा है, किस तरह से इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसे पूरा जितना कपड़ा है उसको आपको इस तरह पकड़ के कैस्केड प्लीट बनाना है। तो ये बन गया हमारा प्लीट। इसको भी अगर आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये नीट हो चुका है क्योंकि मैंने इसको आयरन कर लिया है। सो आफ्टर आयरनिंग इट मैंने इस पर पिन भी लगा लिया है ताकि अपनी जगह से ये ना हिले। तो इसको आपको ऊपर खींच के टक करना है ताकि पैरों के अराउंड ये ज़्यादा लटक ना रहा हो, और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको आप अपने वेस्ट के अराउंड इस तरह से टक कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे लेग्स के अराउंड थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो बाद में मैं इसको सामने से प्लीट को पकड़ के थोड़ा और टक कर दूंगा। तो इस तरह से आप इसको वॉशरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, ये पूरा धोती रेडी है। पीछे भी इसका बॉर्डर दिख रहा है एंड आगे भी बॉर्डर दिख रहा है, इट लुक्स क्वाइट रीगल। इसको मैंने एक बंद गला के साथ पेयर किया है एंड साथ में मैंने कुछ ज्वेलरी भी डाली है। एंड दिस इज़ द लुक आई क्रिएटेड टू शो व्हाट आई वुड हैव वॉर्न एट कैन। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये पूरा लुक, एंड इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आपके ओकेजन्स में, किसी शादी में या फेस्टिवल में। एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट ऑन माई चैनल लाइफ विद बोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।